दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में सशस्त्र पूजा की है। उनके साथ मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने शनिवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम की दो दिवसीय यात्रा शुरू की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर सेना का मनोबल बढ़ाया और कहा, हकीकत यह है कि जवानों के साथ मिलकर मुझे बेहद खुशी होती है और यहाँ के जवानों का हौसला मनोबल जितना ऊंचा रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और यह त्रिशक्ति कोर ने जो भूमिका निभाई है, चाहे वो 62 रहा हो, 67 रहा हो, 71 रहा हो, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यदि आज इस स्थान पर खड़े होकर हम आपको गाइड दे रहे हैं, इसका श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो हमारे त्रिशक्ति कोर के बहादुर जवानों को ही दिया जा सकता है। कई बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और आश्वस्त ही नहीं हूँ, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूँ, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। बता दें, हर साल दशहरे के मौके पर सशस्त्र का अनुष्ठान किया जाता है। पिछले साल भी राजनाथ सिंह ने ही दशहरे के मौके पर इस तरह का सशस्त्र पूजन किया था। इस बार भी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री ने सशस्त्र पूजन के आयोजन में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।